हेलो गाइस, वेलकम बैक इन 3D Kids। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्माइलिंग एक्सक्राफ्ट 2 को। तो यार चलते हैं नीचे, और यहाँ पर मैं जो है पहले एपिसोड में आ चुका हूँ, तो अब हमें सिर्फ नीचे जाना है। वो उसका रास्ता ढूंढना है, कहाँ है रास्ता उसका। यहाँ पर है रास्ता, ये मिल गया। इस बॉक्स को पीछे जाओ और नीचे उतर जाओ, और हम नीचे आ चुके हैं। ये पेंटिंग है, और यहाँ पर ये भी पेंटिंग लगा हुआ है, लेकिन आगे चलते हैं, आगे काम हमारा है। तो आगे चलते हैं, क्या होता है मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब किस तरफ जाना है, इस तरफ चलते हैं, और इस रूम में एंटर होते हैं। इस रूम में देखते हैं क्या है। और यहाँ पर भी एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है, ये पेंटिंग है। तो ये बीमार आदमी देखो से इसे, भाई साहब क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बताओ। तो ये क्या पड़ा हुआ, इसे उठाओ। और ऐसी चार चीज़ें हमें और चाहिए, तो वो कहाँ मिलेंगे उसे चलो ढूंढते हैं। वो यहाँ कहीं पर मिलेंगे, ये दूसरा मिल गया। अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और बाहर देखता हूँ क्या। यहाँ सामने पेंटिंग लगा हुआ है एक, और ये है क्रिएटर। इस क्रिएटर के पास चलते हैं और इससे वायर बनवाते हैं, ठीक है। तो रिपेयर माय केबल, तो ये हमारा केबल इसने बना दिया, और केबल हमने इससे ले लिया। और चीज़ें भी ये बना के देगा, लेकिन वो चीज़ें कम्प्लीट नहीं है, तो जल्दी से वो चीज़ें कम्प्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बाहर भी चलते हैं, और यार वो चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी देखते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पर कहीं पर मिल जाएंगे होप। और ये एक और पेंटिंग है जो हम यहाँ से पहले चक्कर लगा कर आए थे, और ये सामने बंदा है एक, पता नहीं किसके लिए खड़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। और तीसरा पार्ट मिल गया मुझे, तो बाकी दो पार्ट चाहिए, वो यहाँ कहीं पर होंगे। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो कहाँ है यार। तो बाहर चलते हैं इस तरफ, हाँ ये पार्ट मिल गया चौथा, और लास्ट पार्ट रह गया हमारा, वो भी यहाँ कहीं पर होगा। वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहीं पर होगा। ये रहा वो पांचवा पार्ट, और हमारा कंप्लीट हो गया। इससे नहीं बनेगा, ये इस काम के लिए नहीं है, ये पता नहीं किस काम के लिए है। तो हम उस क्रिएटर के पास फिर से चलते हैं, और उससे हम वही चीज़ बनाएंगे जो हमने पाँच उसके पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। तो ये क्रिएटर नहीं है, मतलब ये काम का भी नहीं है हमारा। तो ये बटन लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ रास्ता जाता होगा। ओ ये खुल गया, ओ यहाँ चेक करो, ये चेक करो कैसा रास्ता है भाई। ओ हो ये यहाँ पर एक सीक्रेट डोर जैसा है यार। तो ये वही जगह है ना, हाँ यार ये तो वही जगह है, हमें उस क्रिएटर के पास चलना है। ये रहा क्रिएटर, और हम इससे डोल बनाएंगे। ये बना दिया इसने डोल, और अब इसको लगाना है साइबॉर्ग्स को। ये देखो काम कैसे करता है, देख उसे लगेगा कि ये ओरिजिनल जैसा है ना, तो वो इसके पास चला आएगा, और हम उसको करंट मारेंगे साइबॉर्ग्स को, ठीक है। तो हम उसको करंट मारेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉट मारेंगे, और हम जीत जाएंगे, और साइबॉर्ग्स को मारेंगे। तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर साइबॉर्ग्स होगा। तो ये देखो काम कैसे करता है, हाँ हाँ। तो यार वहाँ पर चलते हैं इसको लेके। और हमें जाना है टर्मिनल स्टेशन पर। तो ये देख यार, तो टर्मिनल स्टेशन पर चलते हैं, और हम लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन हमारा डोल किधर गया, हमारा डोल किधर है भाई, डोल हमारा, ये हमने डोल फेंका लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो डोल हमारा किधर गया भाई, नीचे यहाँ पर शायद गिर गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो ये देख गिल्च यार, क्या गिल्च है, डोल तो हम देख के जा रहे थे और अचानक रास्ते पर ही गुम हो गया, ये कैसे हो सकता है। बट ये हो चुका है, तो हम इससे एक नया डोल मांगेंगे, नया डिमांड करेंगे। तो इसने हमें नया एक डोल दे दिया, देखो यार इस तरह के गिल्च भी होते हैं। शुक्र है कि मुझे पता चल गया, वरना बहुत ज़्यादा मसला हो सकता था। तो कोई बात नहीं, हमने नया डोर ले लिया, तो अब हमें कोई भी ऐसा इशू होने, मतलब ऐसा इशू नहीं देखने को मिलेगा होप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और टर्मिनल स्टेशन पर जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। तो चलो यार टर्मिनल स्टेशन चलते हैं, और हमें ले चल टर्मिनल स्टेशन पर। तो ये लो हम पहुंच गए हैं टर्मिनल स्टेशन पर। तो यहाँ पर हम साइबॉर्ग्स को मारेंगे, और
और हम अपनी गेम को फिर आगे भी बढ़ाएंगे। तो हम इसको लेके आए हैं यहाँ पर और हम अब इसको लेके चलेंगे ऊपर। तो ठीक है, चलते हैं ऊपर। और ये देख, तो ऊपर चलते हैं। लेकिन लेकिन इससे भी यहाँ पर भी हिस्सा का काम नहीं होगा। यहाँ पर तो ये हिस्सा जो है ना वो इसका है यार, ये जोकर का है। जोकर का तो, जोकर को तो हमें नहीं मारना, हमें मारना है साइबरॉक्स को। तो अब इन सबको ओपन करते हैं और इन सबको ओपन करते नहीं हैं बल्कि इन सबको क्लोज भी कर लेते हैं। यहाँ से हमने वार्ड्स लिए थे, वो भी आगे कहीं यूज़ करने होंगे, आगे यूज़ करने होंगे। और हम इन सबको बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं।